चलिए बात करते हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड की। राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी के अंदर निवेश किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन क्या आपको वास्तव में इस मल्टीवैगर शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड पे पैसा लगा रहे हैं, और क्या हमारी ऑडियंस यानी कि जो इस वीडियो को देखते हैं, जो इस चैनल पे विश्वास करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो सब कुछ जानेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं कि वास्तव में टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड करती क्या है। वैसे तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कंपनी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग करती है। कंपनी बिजनेस न्यूज़ चैनल जैसे कि CNBC टीवी 18, CNBC आवाज़, CNBC बाजार, या जर्नल न्यूज़ चैनल जैसे CNN न्यूज़ 18, न्यूज़ 18 इंटरनेशनल, या फिर न्यूज़ 18 इंडिया, हिस्ट्री टीवी 18 हो गया आपका, और कुछ जाने माने चैनल जैसे कि कलर्स, कलर्स सिंप्लेक्स, कलर्स रिश्ते, कलर्स कनाडा, कलर्स सुपर, या फिर कलर्स बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया, तमिल, बहुत सारे कलर्स के जितने भी ब्रांड्स हैं, वो सब कुछ टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के द्वारा ही किया जाता है। और यहाँ तक कि कलर्स के सब चैनल्स जैसे कि MTV, MTV बीट्स, या फिर किड्स चैनल, निकलोडियन हो, सोनिक हो, निक GR हो, या फिर निक HD, वूट किड्स, वूट सेलेक्ट, सब कुछ कंपनी ही मैनेज करती है, और सारी ब्रॉडकास्टिंग टीवी 18 ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के द्वारा ही किया जाता है। ये कंपनी हाल ही में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी यानी 2005 के अंदर, और इस कंपनी का बेस कैंप आपको मुंबई इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ इस कंपनी को लेकर, जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो इस कंपनी की जो हिस्ट्री देखेंगे कि भाई चल क्या रहा है। अगर आज के टाइम में आप देखोगे तो शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे गया है, यानी कि 0.72% डाउनफॉल गया है। और 5 दिन की अगर हम बात करें तब भी आप देख सकते हैं -2% का डाउनफॉल देखने को मिला है। 1 महीने पहले 12% तक का डाउनफॉल मिल चुका है, यानी कि 1 महीने पहले ये शेयर 39 रुपये का था, आज 34 रुपये का हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। बट जिन लोगों ने 6 महीने पहले निवेश किया था उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूर देखने को मिला है। 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो 8% कंपनी ने रिटर्न दिया है, और 5 साल पहले की बात करें तो कंपनी डाउन में ही नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं 5 साल पहले ये शेयर 41 रुपये का था, आज ये 34 रुपये का आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब गाइस बात इधर करते हैं कि भाई जिन लोगों ने 5 साल पहले निवेश किया उनको भी कुछ खास रिटर्न नहीं मिले हैं, 6 महीने पहले भी कुछ खास रिटर्न नहीं मिले, यानी कि 5 साल पहले भी शेयर 41 रुपये का था और आज भी 34 रुपये का ही है, यानी कि जो ग्रोथ लेवल है वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या वास्तव में राकेश झुनझुनवाला के साथ जाना चाहिए या फिर अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए, और क्यों राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी के अंदर निवेश किया हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक वेबसाइट की मैं हेल्प लूँगा जिसका नाम सिंपली वेल है, और वैसे तो ये एक मतलब प्रो वर्जन वेबसाइट है, यानी कि आपको पैसे दे के ही इसके अंदर डिटेल्स मिलती हैं, बट मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। ये मैंने इधर सर्च किया हुआ है जिसके अंदर सबसे पहले वैल्यूएशन चेक करते हैं। अभी शेयर 34 रुपीज़ का आपको मिल रहा है, बट इसकी जो फेयर प्राइस है वो 47 है, यानी कि जो शेयर 47 रुपये का मिलना वाला था या उसकी जो रियल प्राइस वैल्यू 47 रुपये, वो आज आपको 34 रुपये का मिल रहा है। देखो अगर सबसे पहले किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप निवेश करते हो तो आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि वास्तव में उसका जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है और आज आपको किस प्राइस पे वो मिल रहा है। बहुत सारे लोग इसको पी से कंसीडर करते हैं, तो मैं उनको पी भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने स्क्रीनर वेबसाइट की हेल्प लिया है, और पी आप देख सकते हैं स्टॉक पी जो चल रहा है 10 का, और इससे ये नज़र आता है कि भाई किसी भी कंपनी का जो PE अगर 10 है तो डेफिनेटली एक बाइंग सिग्नल जाता है कि आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो भाई शेयर अभी अंडर वैल्यूड है, हम ये बोल सकते हैं, यानी कि एक बाइंग करने का सही टाइम इधर शेयर दिखा रहा है। एक अपडेट और आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये एक आर्टिकल छपा था नव भारत टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, और इसका जो डेट है वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं 13 अगस्त, यानी कि अभी का ही है, 13 अगस्त 2021, लगभग हो चुके हैं इसको 10-15 दिन, और 10-15 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी इसके ऊपर भी छपा, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं इन शेयरों में आ सकती है तेज़ी, यानी कि
एक तरह से अपर मूवमेंट या अपर सर्किट हम बोलते हैं वो आ सकता है, जिसके अंदर बहुत सारे इन्होंने कंपनियों के नाम लिए हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं TV18 ब्रॉडकास्ट का भी नाम आ रहा है। तो ये सभी जो सिग्नल्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि भाई ये सभी सिग्नल्स दिखाते हैं कि भाई कंपनी एक बाइंग सिग्नल दिखा रही है कि आप बाय कर सकते हैं। बट किसी भी कंपनी के अंदर बाय करने से पहले आपको उसका पूरा हिस्ट्री जानना ज़रूरी है कि भाई वास्तव में वो ग्रो भी कर पाएगी या फिर नहीं। आप बाय तो कर लेते हैं, फिर आपको फिर से लॉस देखने को मिलेगा, ऐसी सिचुएशन आपके सामने ना आए तभी अच्छा है। बट कुछ चीज़ें और देख लेते हैं फिर जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको इधर ओनरशिप के अंदर दिखा देता हूँ। ओनरशिप के अंदर जो टॉप शेयर होल्डर्स हैं जिसमें अंदर राकेश झुंझुनवाला का नाम आता है, जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी के अंदर निवेश किया हुआ है। तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के इस कंपनी के अंदर लगाया होगा। और क्या वो जिस टाइम उन्होंने इस कंपनी के अंदर निवेश किया था वो सही टाइम था या फिर आज का टाइम काफ़ी सही है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्राइस हिस्ट्री इधर खोल दिया, जिसके अंदर अगर मैं मैक्सिमम जाऊँ यानी कि जब इस कंपनी का IPO आया है जब से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये शेयर आज के टाइम में सबसे लोएस्ट प्राइस पे है। कहने का मतलब मेरा यही है कि गाइस जब राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी के अंदर निवेश किया था तो कहीं ना कहीं 34 से ज़्यादा पे ही किया होगा, क्योंकि बहुत कम रेयर चांसेस हैं कि उन्होंने एक सही अमाउंट का निवेश एक इस टाइम किया हो जब शेयर 17 रुपये का या 18 रुपये का था। ये जो निवेश था इन्होंने लगभग किया होगा, हो सकता है कि 40 या 45 रुपये पे इन्होंने निवेश ज़रूर किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर वो इस कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी और आज के टाइम में ये आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है। बट अब हम देखेंगे इस कंपनी के अंदर और चीज़ें जो कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रोथ क्या क्या है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या हमारे लिए ये शेयर सही है या फिर नहीं है। सबसे पहले कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ देख लेते हैं। गाइज आप देख सकते हैं जो फ्यूचर है कंपनी का -2.6% है, यानी कि फ्यूचर बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। बट अभी और रेशोस देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर कैसे इसका ब्राइट होगा। पहले पास्ट दिखा देता हूं आपको। पास्ट में कंपनी ने 46% की ग्रोथ दिखाई है। देखो फ्यूचर तो एक प्रिडिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बट जो पास्ट होता है गाइज वो डिपेंड करता है कंपनी के रेशोस को लेकर, और कंपनी के जो पुराने रेशोस हैं काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पास्ट 46% नज़र आ रहा है। और अगर फ्यूचर की बात करें, अगर वो तो प्रिडिक्शन के ऊपर डिपेंड है, वो चेंज भी हो सकता है, बट पास्ट से अगर हम अनुमान लगाएं फ्यूचर का तो भाई फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। बट और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, जैसे फाइनेंशियली कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है आप देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइबिलिटीज़ काफ़ी कम है, आपके सामने नज़र आ रहा है एसेट्स का जो ग्राफ है काफ़ी तेज़ी से ऊपर है। लॉन्ग टर्म में भी एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइबिलिटीज़ काफ़ी कम है। और चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हैं जानना, जिसके अंदर मैनेजमेंट की बात करें तो 7 साल का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को, यानी कि बड़ी सी बड़ी सिचुएशन कंपनी ने देखी है और इनकी मैनेजमेंट टीम ने बड़े से बड़ा डाउनफॉल और बड़े से बड़ा अचीवमेंट भी देखा है। तो इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतना एक्सपीरियंस मैनेजमेंट अगर किसी कंपनी को चला रहा है तो डेफिनेटली उसके ग्रो होने के चांसेस रहते ही हैं। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रेसोर्स जिसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे और जानेंगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखिए आप, 5,857 करोड़ का है, जो कि एक हम बोल सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर ये कंपनी आती है। दूसरा, कंपनी एक बाइंग सिग्नल दिखा रही है, सही है, PE भी काफ़ी सही है यानी कि 10 है, और ऐसा बोला जाता है जिन कंपनी का PE 10 है तो डेफिनेटली एक बाइंग सिग्नल वो दिखाती हैं। दूसरा एक चीज़ और देखते हैं, कंपनी का कर्ज आप देख सकते हैं डेप्थ कंपनी का 892 करोड़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है कर्ज, बट कंपनी के पास जो कैश है वो 326 करोड़ का पड़ा हुआ है, तो लगभग कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो 500 या 550 का रह जाता है। तो यानी कि 550 करोड़ का जो कर्ज कंपनी के ऊपर पड़ा है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देगी, या 5,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ अगर कंपनी है तो वो आगे देखेंगे। भाई कर्ज तो है फिलहाल, ऐसा नहीं है डेबिट फ्री है कंपनी, कर्ज डेफिनेटली है। EPS आप देखिए कंपनी का 3.23 रुपीज़ है, और फ्री कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यानी कि एक पॉजिटिव साइन है। नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है कंपनी का, और जो सबसे बेहतरीन कंपनी के अंदर मुझे लगा वो है कंपनी की सेल ग्रोथ।
देखो गाइज, अगर किसी भी कंपनी की सेल अच्छी नहीं है तो फिर आगे परफॉर्मेंस क्या करेगी। बट इस कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। 5 साल में कंपनी ने 37% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि ये चीज़ साबित करती है कि भाई आने वाले टाइम में कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। देखो 37 भी नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में अगर 10% की भी ग्रोथ से बढ़ती है तो आपका जो रिटर्न है और जो आपका पैसा है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, इंक्रीज़ करेगा और आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। बट एक चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, इस कंपनी के अंदर कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़ हैं। आप देख सकते हैं कंटेंजेंट जो लाइबिलिटीज़ है 3000 करोड़ की है, यानी कि 3374 करोड़ की कंपनी के ऊपर एक ऐसा कर्ज है, ऐसा जुर्माना है। अगर कंपनी कोई केस हो सकता है या किसी भी तरह की कोई ऐसा लॉस हो सकता है जिसकी वजह से कंपनी को 3374 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है देना ही है, ये गाइस देने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कंपनी के सिचुएशन के ऊपर, कंपनी के नसीब के ऊपर कि भाई कंपनी केस को जीतती है या हारती है, वो डिपेंड आगे करेगा। बट एक ही रिस्क है कंपनी के ऊपर 3374 करोड़ का। तो इसीलिए हो सकता है कि भाई शेयर काफ़ी तेज़ी से डाउन जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि शायद हो सकता है वो केस कंपनी हार जाए या कंपनी को ये रुपये देने पड़े। तो कुछ भी हो सकता है इसके पीछे का रीज़न, वो हम आगे कभी डिस्कस कर लेंगे। कोई रिजल्ट आएगा या किसी भी तरह की न्यूज़ आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बट और चीज़ें देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इसके अंदर जो कंपनी सेल कर रही है हर सालाना, इसके अंदर जो कंपनी सेल कर रही है जून 2021 में 1155 करोड़ की कंपनी ने सेल करी, जिसके अंदर कंपनी ने जो एक्सपेंस लगाया, जो खर्चा लगाया 967 करोड़ का लगाया, और जो कंपनी के पास जो पैसा बचता है जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं वो 188 करोड़ बचता है, और 16% OPM लगाकर, अदर इनकम 34 करोड़ लगाकर, 10 करोड़ कंपनी इंटरेस्ट देती है कर्ज लिया हुआ है क्योंकि, और डेप्रिकेशन कंपनी का 28 लगाकर कंपनी के पास 182 करोड़ रुपये बचते हैं, जिसमें से 11% टैक्स दे देती है, कंपनी के पास ओवरऑल 100 करोड़ रुपीज़ बचते हैं, जो कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है हर महीने का 100 करोड़ के समथिंग निकल के आता है, जो कि हम बोल सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 100 करोड़ का निकल के आता है, जो कि काफ़ी सही है। देखो गाइस, कंपनी इसी तरह से प्रॉफिट में रहती है तो आने वाले टाइम में ग्रो करने के चांसेस रहते हैं। अभी तक मुझे ऐसा कोई भी डेटा या ऐसा कोई भी रेशो नज़र नहीं आया जिससे हम ये बोल सकते हैं कि भाई कंपनी लॉस में जा सकती है। सिर्फ एक चीज़ को लेकर, वो है कंपनी की जो मैंने आपको बताया कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़, और ऐसी लाइबिलिटीज़ जो हो सकता है कंपनी जीत जाए, हो सकता है कंपनी हार जाए, कुछ भी नहीं कह सकते भाई, देने ही पड़ सकते और नहीं भी। इसके आगे तो भाई वो पूरा डीप रिसर्च करके ही हम पता लगा सकते हैं कि भाई क्या होगा आने वाले टाइम में, और केस क्या किस चीज़ के कंपनी को देने हैं वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो एक तरह से ये छोटा सा रिस्क मुझे नज़र आता है, बाकी तो कंपनी काफ़ी सही रिसोर्स दिखा रही है, बिजनेस मॉडल काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छे शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के अंदर। प्रमोटर्स भी आप देख सकते हैं 60.40% हैं, और काफ़ी अमाउंट में प्रमोटर्स भी हैं। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट भी आप देख सकते हैं, पहले 11% थे और आज के टाइम में 12% हो गए, इंक्रीज़ हो गए हैं। बट DII की बात करें वो डिक्रीज़ हुए हैं, पहले 4% थे आज ये 0% हो गए हैं। गवर्नमेंट ने भी पैसा लगाया हुआ है और गवर्नमेंट ने अब आज के टाइम में पैसा निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। यानी मार्च 2021 में गवर्नमेंट ने 0.52% लगाया हुआ था, जून 2021 में कुछ भी पैसा नहीं है, सब कुछ निकाल दिया है। तो गाइस ओवरऑल देखें तो रिसोर्स काफ़ी सही हैं और मल्टीबैगर बनने के भी चांसेस हैं। बट अगर ये कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़ वाला जो प्रॉब्लम है कंपनी का ये हट जाए तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकती है। और तो ओवरऑल रिसोर्स काफ़ी सही हैं, और आपकी क्या राय है इस कंपनी को लेकर डेफिनेटली बताइए कि आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहोगे या फिर नहीं, और इस तरह की शेयर अपडेट आपको कैसी लगी वो भी इस तरह का शेयर एनालिसिस आपको कैसा लगा वो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन इस कंपनी को लेकर यही है कि भाई ये कंपनी एक रिस्क जोन में है, अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करते हैं और जो ये कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़ है, ये जो कर्ज है कंपनी का, अगर कम हो जाता है या कंपनी केस जीत जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। बट अगर ये केस हार जाती है कंपनी तो डेफिनेटली आपको काफ़ी तगड़ा झटका भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कंटेंजेंट लाइबिलिटी केस के ऊपर, केस क्या है,
कोर्ट के ऊपर, जजिस के ऊपर और लॉयर्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं, तो हम इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते कि भाई कंपनी के साथ क्या रहने वाला है आने वाले टाइम में। तो एक रिस्क जोन में भी हम बोल सकते हैं और प्रॉफिट जोन में भी बोल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई शेयर अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।